हज वल उम्र करीला। अल्लाह ताला के लिए हज और उम्र अदा कर, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी दी हुई तौफीक से अल्लाह ने हमें ये तौफीक बख्शी कि आज उसके पाक घर का हम इरादा करते निकले। याद रखिए कि ये वो सफ़र है, आज आप दुनिया के अंदर पूरी दुनिया में घूमते होंगे, वो एक पिकनिक के तौर पर वो सफ़र है, लेकिन ये सफ़र दुनिया का सफ़र नहीं, ये सफ़र है आखिरत। आप अल्लाह की राह में निकले हैं, इसलिए या अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि जो मेरी राह में निकलता है उसको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा और हर मुसीबत पर सब्र करना पड़ेगा और सब्र का बदला जन्नत है। अल्लाह तबारक व ताला आज हमारे सामने लाखों लोग करोड़ों पति लोग पड़े हैं, उन्होंने भी हमें ये कहा कि भाई हमारे लिए दुआ करना, आप बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह के घर को जा रहे हैं। ये अल्लाह ने हमें अपनी तौफीक दी, अल्लाह तबारक व ताला अपने पसंदीदा बंदों में पसंद फरमाया कि आज अल्लाह ताला के राह में हम लोग निकले हैं, अपना घर बार छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर हम परदेश अल्लाह की राह में निकले हैं। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। बंदा जब घर अपने घर से अल्लाह के घर की तरफ निकलने का इरादा करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी जिंदगी भर के गुनाहों को माफ़ करवा देता है। आप तन्हा नहीं होते, अल्लाह तबारक व ताला ने ये वादा लिया है कि आप जब घर से निकलते हैं कि चारों तरफ अल्लाह के फरिश्ते आपकी हिफाजत फरमाते हैं। आप ये मत समझना कि हम तन्हा हैं, आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को मुकर्र किया है जो आपकी हिफाजत फरमाएंगे। हाँ, वक्ती तौर पे हम लोग परदेश में जा रहे हैं।